तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रक्त तलाई, किलोमीटर आगे चेतक घोड़े का समाधि है। हाँ चेतक घोड़े का समाधि हमें रास्ते में पड़ा था, हम जाएंगे वहाँ पे, हम जाएंगे, हाँ जाएंगे वहाँ पे, जाएंगे म्यूजियम जाएंगे आप के मिला के इनके गांव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था उस समय 18 जून 15 तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। कुछ नाले बन के आए खून के, सैनिकों के शव गिरे, तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त की ये तलाई भर गई। ये है महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि। तो भाई एक और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और बीचों बीच जंगल है, इधर छोटी छोटी एक सिंपल सी रास्ता है, टूटी फूटी और बीच जंगल में होकर जा रही है। आसपास में छोटे छोटे पहाड़ हैं, कहीं कहीं झाड़ भी हैं, इस तरह की बाउंड्री कर रखी है। मतलब सुनसान रास्ता है, कोई है ही नहीं इस रास्ता पे, हमें अभी तक तो इस रास्ता को कोई मिला ही नहीं है। हमें चलते हुए कम से कम 10 किलोमीटर हो गए, इस रास्ता पे हमें कोई नहीं मिला, बिल्कुल ही सुनसान है। और हम जा रहे हैं हल्दी घाटी के मैदान से, तो भाई फाइनली हमें रास्ता मिल गया ठीक। ऑन हाईवे से आप सीधे आओगे, कहीं कटना नहीं है आपको, और मेन रोड पे आ जाना, दाएं बाएं जितनी रास्ते कट रही है ना उस पर किसी पे नहीं जाना, आपको सीधे रोड जा रही है उस पर चले आना है सीधे, और ये रास्ता आपको सीधे हल्दी घाटी के मैदान में लेके जाएगी। भाई देखो चलते चलते काफ़ी देर हो गई और फाइनली हमें मिली है ऊपर लेक, इसको इसीलिए बोलते हैं भाई लेक सिटी, क्योंकि जगह जगह लेक आपको मिल जा रही है। पहाड़ देखोगा बिल्कुल सूखे हुए पहाड़ है, पत्थर कुछ है ही नहीं, अब बीच में एक लेक मिल जा रही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रक्त तलाई जयपुर मंडल, अभी करते हैं इसकी एंट्री। बर भी आओ, विरासत को संजो कर रखें। अच्छा ये लोगों के लिए एक मैसेज है, किलोमीटर आगे चेतक घोड़े का समाधि है। हाँ चेतक घोड़े का समाधि हमें रास्ते में पड़ा था, हम जाएंगे वहाँ पे, हम जाएंगे, हाँ जाएंगे वहाँ पे, जाएंगे म्यूजियम जाएंगे आप। मतलब वो म्यूजियम बना हुआ है, वहाँ आपको एक डॉक्यूमेंट्री बताया जाता है लाइट साउंड सिस्टम में, राणा प्रताप और अकबर का हल्दी घाटी लड़ाई का, तो ये ब्लड पॉइंट और हल्दी घाटी का बैटल, तो वो आपको समझने में आसान रहेगा। वहाँ बताया जाता है हिस्ट्री इतिहास, और मैं फील्ड का रियल जानकारी देता हूँ जो यहाँ सुनने का और वहाँ देखने का। म्यूजियम प्राइवेट है, वहाँ आपका टिकट है 120 रुपया पर मेंबर, गाइड भी करता है और मूवी दिखाता है। ये क्या सरकारी गार्डन टिकट, यहाँ मैं गाइड भी और आपका सेवक भी हूँ। ये माणा प्रताप के सेनापति हकीम खान पठान है, हकीम क्या सुरी जो मुस्लिम है, जो कोई देता है इनकी सेवा में राजू करता है। रियल जानकारी देता हूँ, 5 मिनट सुनो आप। वो पहाड़ देखो आप पेड़ों के पीछे 3 किलोमीटर ऊपर सामने, इस पेड़ के पीछे पहाड़ है जो दिख नहीं रहा, पहाड़ी के पीछे से अभी आप आए हो हल्दी घाटी से, ठीक है पहाड़ी है सर, जिसका दूरी 3 किलोमीटर सर, वो एक ही पहाड़ ऐसा है जिसका मट्टी का कलर हल्दी जैसा है, घाट सेक्शन है पहाड़ी है उसको कहते हैं हल्दी घाटी। माणा प्रताप की सेना में सर ज्यादातर आदिवासी लोग थे, भील जाति के। माणा प्रताप की सेना पहाड़ों में छुपके और गोरिल्ला पद्धति छापामारी युद्ध लड़ती, तीर कमान पहाड़िया चुनती, पहाड़ी चुनी जहाँ से आपका गाड़ी गुजरा येलो कलर में, दोनों पहाड़ी कटाओ हल्दी घाटी, उससे नीचे जो गार्डन देखा ना सरबत और गुलाब का मार्केट लगा था, वो गार्डन और मार्केट भी सर 450 वर्ष पहले एक फील्ड था। अच्छा। अकबर की सेना का पड़ाव रहा सर उस फील्ड में 2-3 वर्ष, अकबर की सेना द्वारा वहाँ कुछ पेड़ पौधे बाग बगीचे लगा दिए। तो अभी आप जो आए उस वक्त तो वो बोर्ड राइट में था, और अभी आप जाएंगे वापस तो उस गार्डन के बाहर लेफ्ट में एक बोर्ड लगा अकबर के नाम से, बादशाही बाग शाही बाग, क्योंकि अकबर की सेना का पड़ाव था फील्ड में, माणा प्रताप की सेना ने पहाड़ी हमला किया येलो कलर से तीर कमान से। ये दोनों ही सेनाएं माणा प्रताप अकबर की हल्दीघाट से लड़ती गोरिल्ला पत्ती यहाँ तक आती है, लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर, गांव खमनौर हल्दीघाटी पहाड़ी, पास में एक नदी बहता है बनास आधा किलोमीटर पे, हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फील्ड है सर 3 किलोमीटर रेंज है, 450 वर्ष पुरानी बात है। वैसे तो ये खमनौर का युद्ध कहलाता है, लेकिन 450 वर्ष पहले होंगे 25 घर, आज 5000 घर है, तो 450 वर्ष पहले सारा जंगल था ये, जहाँ आप खड़े ना ये गार्डन है 10 बीघा में, ये एक लेक है तालाब है, बरसात का पानी इकट्ठा होता है तो छोटा तालाब है सर, इसको गांव की भाषा में तलई कहते हैं। तो 450 वर्ष में सर पूरे फील्ड में गांव बस गया, जंगल की जगह तालाब पे भी लोग अतिक्रमण करने लगे, तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इसको गार्डन का रूप दे दिया तालाब को, 2004 में फील्ड के नाम से लेक बचा सर, जो ब्लड पॉइंट कहलाता रक्त तलाई गार्डन रूप में, बाकी फील्ड में गाँव बसा हुआ जंगल की जगह। ये जो राइट वाली छतरी देखे ना आप चार खंभे वाली, ऐसी यहाँ मतलब 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी माणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों की, जो जहाँ वीर गति को प्राप्त है उनका वही बना हुआ है, और माणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया गया था। एक लेफ्ट में तो पत्थर लग रहा है, वो जाते पढ़ना अपडेट उसमें है। 18 जून एक दिन का युद्ध था 6-7 घंटे का, 18 जून 1576 450 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दी घाटी, सवेरे माणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे सवेरे चला, 2-3 बजे इस गाँव में समाप्त हुआ।
तो 6-7 घंटे में सर 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के मानवतार अकबर के 18,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए दोनों के मिला के। इनके गांव से बेकर जब ब्लड खून गिरा जमीन पे और जून का महीना था उस समय 18 जून 15 तो पहला मानसून बारिश भी उसी दिन हो गया लड़ाई के दिन। कुछ नाले बन के आए खून के, सैनिकों के शव गिरे तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त की ये तलाई भर गई तो इसको खून का तलाई रक्त तलाई कहा जाता है। ये है रक्त तलाई की सच्चाई। 5 मिनट और सुनो आप, अब ये आपको पूरा डॉक्यूमेंट बताएंगे लाइव साउंड सिस्टम में म्यूजियम है जो मानवता और अकबर का हल्दी घाटी घड़े का। तो मानवता का जो घोड़ा होता है चेटक उसका एक पैर कट जाता है, वो पैर कट तो दिखाते हैं म्यूजियम में हाथी घोड़ा वाला लड़े। हाथी पे तो था अकबर के सेनापति मानसिंह, चेटक घोड़े पे होते हैं मानवता और हाथी की सूंड में एक तलवार होता है जिससे चेटक घोड़े का पैर कट जाता है तो बताया जाता है म्यूजियम में। लेकिन लड़ाई के वक्त वो हाथी घोड़ा वाली यहाँ होता है, चेटक का पैर यहाँ कटता है। रियल पॉइंट ये छतरी बताई चार खंभे वाली मैंने, ये मानवताप के 2 कॉपी हम सकल जला मानसिंह जी की समाधि। लड़ाई के वक्त तो छतरी था नहीं, बाद में बनाया सर, तो ये छतरी बना इसलिए लड़ाई के वक्त मानवताप तो थे चेटक घोड़े पे, अकबर का सेनापति मानसिंह हाथी पे। इस लड़ाई में राणा प्रताप की करीब करीब सारी सेना वीर गति को प्राप्त हुई, सेनापति साथी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके घोड़े चेटक का पैर ये छतरी बनी ना इस जगह कट जाता है जो हाथी की सूंड में आपको एक तलवार दिखाएंगे म्यूजियम में, जिससे घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद राणा प्रताप को यहाँ से निकाला जाता है बचा के राजा को उनके वफादार द्वारा। राजा बचा तो नई सेना बना के अकबर से दूसरा युद्ध लड़ा जा सके। तो ये छतरी सर इस प्रकार के मानवता के 4 दाहिने हाथ वफादार सच्चे साथी, 1 मुस्लिम 3 हिंदू, हकीमचा सूरी, जाला मान सिंह, भामाशाह और राणा पुंजा। हकीमचा सूरी, जाला मान सिंह, भामाशाह, राणा पुंजा, राणा पुंजा को बिलू राणा भी कहते हैं, ठीक है सर, भील जाति से। तो ये 4 में से 1 नाम आपका था ये क्षत्रिय जाला मान सिंह, नाम था जाला मान सिंह। ये कटकाटी और शक्ल से सेम टू सेम मानवताप जैसे दिखते हैं, मानवताप के 2 कॉपी, नाम था जाला मान सिंह और चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे बड़ी सादरी के, और मानवताप के मामा भी लगते थे। तो घोड़े चेटक का पैर कटने के बाद अपने राजा को मानवताप को बचाने के लिए और अकबर की सेना को धोखा देने के लिए मानवताप का जो मुकुट था ना राजा का, वो हम सकल जाला मान सिंह जी ने पहना। अकबर की सेना ने भी धोखा खाया और हम सकल जाला मान सिंह जी को मानवताप समझ के और वीर गति को प्राप्त कर दिया। तो ये समाधि है मानवताप के 2 कॉपी जला मान सिंह जी का, जो मानवताप जी शहीद हुए। घोड़े चेटक का पैर कट के अलग नहीं हुआ, जख्मे एक पैर काम नहीं कर रहा, तो घोड़ा चेटक मानवताप को बचा के 3 पर बैठे जला हल्दी घाटी, जो हल्दी घाटी 3 किलोमीटर येलो पहाड़ी। घोड़ा चेटक गया 5 किलोमीटर बलीचा गांव में जहां वो म्यूजियम बना है। 5 किलोमीटर जाने के बाद घोड़े चेटक के सामने 22 फुट का नाला आता है जिस बरसाती पानी में था, तो 3 पर से 22 फुट का नाला जम करता है और एक इमली का पेड़ था जिसका डाल टेढ़ा था, हम उसको लंगड़ा इमली बोलते हैं, खोड़ी इमली। तो खोड़ी इमली की छांव में जाके अपने स्वामी मानवताप को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के बाद चेटक दम तोड़ देता है। जहाँ नाला, चेटक समाधि, म्यूजियम तीनों एक ही जगह हल्दी घाटी से आप गुजरे येलो पहाड़ी से, यहाँ राजा को बच गया मानवताप को इस लड़ाई में, उनकी जगह हम सकल जला मान सिंह शहीद हुए। और अभी आप जो येलो पहाड़ी उतरे ना हल्दी घाटी, तो राइट में एक साथ दरगाह देखा ना आपने छोटा सा, वहाँ हकीमचा सूरी साहब का हेड है और ये बॉडी है सर, वहाँ उधरिया ये बॉडी की बॉडी जाते हैं वहाँ पे दरगाह है, वहाँ पर सर गिरा था। वो दूसरी मतलब यूँ कहते हैं सर कि इसमें ये था कि हिंदू राजा का सेनापति मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, अकबर का मानसिंह जयपुर आमेर किले का राजा, जोधा का भतीजा, मानवताप के हकीमचा सूरी जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पठान। हकीमचा सूरी साहब लड़ाई के वक्त हल्दी घाटी में घोड़े पे थे तो सर कलम हो गया, सर वही रह गया। फिर दोनों सेनाएं लड़ती हुई तो घोड़ा बॉडी ले गए, धड़ ले गए। इनके विषय में ये भी कहा गया इतिहास में कि ना लगाम छुटा ना शमशीर तलवार, ना लगाम छुटा ना शमशीर, 3 किलोमीटर तक आप बिगर सर के जंग लड़ते आए, शहादत यानी मरने के बाद भी धड़ गिरा घोड़े से, तो बहुत से सुरमाओं ने कोशिश किया हाथ से शमशीर तलवार छुड़ाने का, खुद मानवताप ने नहीं छुटा मरने के बाद, तो तलवार समेत दफन किए गए, ऐसा कहा जाता है इतिहास में। जो धड़काया बना सरकार दिया में, क्या हकीकत है, जो अंदर बार अमर दीप जलते हैं, एक दीप अंदर रहता है, एक ये पेड़ के यहाँ जल रहा है, जो अखंड दीप जलता है, कौमी एकता का प्रतीक है, मानवताप के प्रमुख एवं वफादार सेनापति। आपका नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद खान, गाइड खान के नाम से, और आपके सेवक के नाम से। पीपल के नीचे चबूतरा देख रहे हैं आप, ये सती माता जी का मंदिर है। उस जमाने में क्या सती प्रथा चलता, आप इधर के थे, आपके हस्बैंड भी मानवताप के एक सोल्जर थे, जब हस्बैंड युद्ध में शहीद हुए मानवताप का साथ देते हुए, तो आप भी यहाँ आके पति की चिता में सती हो गए। तो सती माता जी का मंदिर है जो मानवताप के एक सोल्जर के भाई, जो सती माता जी का मंदिर है। 3 समाधि है सर, आप आगे गए थे सामने, हाँ, वो देखा है हम। वो है सर एमपी से मध्य प्रदेश ग्वालियर के, ग्वालियर के तोमर, हाँ, ग्वालियर के। कभी अकबर की सेना ने हल्दी घाटी लड़ाई के पहले ग्वालियर पे अटैक किया, तो ग्वालियर के राजा राम सिंह तोमर हित फैमिली सहित अकबर की सेना से बचने के लिए ग्वालियर से चित्तौड़गढ़ आए राणा प्रताप के परिवार के पास। मानवताप के परिवार ने राम सिंह तोमर उनकी फैमिली को अकबर की सेना से बचने के लिए आश्रय दिया शरण, आश्रय दिया शरण। तो वो एहसान चुकाने के लिए जब हल्दी घाटी लड़ाई चला, तो महाराजा राम सिंह तोमर ने भी हिस्सा लिया मानवताप की हेल्प को। ये राम सिंह तोमर सर अपनी छोटी सी फौज की टुकड़ी साथ में रखते हैं, इनके 3 राजकुमार थे शालिवान सिंह, प्रताप सिंह, भवानी सिंह, तीनों को साथ रखा मानवताप का साथ, तो सर उनकी फौजी मारी गई, 3 राजकुमार और महाराजा राम सिंह तोमर, 4 पिता पुत्र यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए।
यूँ कहते हैं सर कि महाराजा राम सिंह तोमर का इस लड़ाई में पूरा परिवार समाप्त हो, बच्चे और औरतें ही बचे, तीन पीढ़ी नष्ट हुआ, दादा लड़का और पोता, चार शहीद हुए, चार की बजाय ऐसा पत्थर वाला दो छतरी बना, वो दोनों छतरी माणा प्रताप के पुत्र करण सिंह ने बनाई, माणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह है करण सिंह, करण सिंह ने सर वो दोनों छतरियाँ युद्ध के 48 वर्ष बाद बनी 1624 में, इसलिए कि राम सिंह तोमर के जो तीन राजकुमार थे ना साथ में, उनमें से एक का नाम था शालिवान सिंह, शालिवान सिंह माणा प्रताप की जीजा थे बहनोई, जो माणा प्रताप की बहन मान कौर को दिया था, जो माणा प्रताप के जीजा के नाम से एक छतरी बना, एक का कोई लेकिन जो दो समाधि वो तीन है पाँच समाधि है, बाकी लेके जो ब्लड पाउंड गला था रक्त लाई गार्डन रूम है, बाकी फील्ड में गांव बसा हुआ जंगल की दिए, ये तालाब ही बचा, गांव तो अभी बस गया होगा आपको फील्ड, अब हिस्ट्री म्यूजियम में दिखाएंगे आपको समझने में आसान, ठीक है थैंक यू, ये चले गए अच्छा उतार सकते हो सीढ़ी पे चढ़ के उनका भी फोटो ले सकते हो पीछे, अच्छा ये दीप कभी बुझा नहीं, ऐसा है दो दीप है, एक चला जाता है दूसरे दीप से जलाया जाता है, ज्योत खंडित नहीं की जाती, खंडित नहीं होती है, चलती रहती है, ये आप जैसे लोग आते हैं जो आप, मैं गाइड भी और सेवक भी हूँ शहीदों को नमन है, हर कोई नहीं समझता वतन परस्ती होता है, रामसा तंबर और उनके तीनों पुत्र ग्वालियर के थे भाई, ये उनकी याद में स्मारक है भाई बनी हुई ऐसी, तो भाई युद्ध था ना जो 3 किलोमीटर तक लड़ा गया था, जो रास्ते में दर्रा पड़ा था इसको हम बाद में दिखाते हैं, उस दर्रे से लेकर बनास नदी तक पूरा युद्ध लड़ा था, मतलब ये वो पोर्शन है जो मॉडिफिकेशन, हाँ ये मॉडिफाई हो गया भाई, ये रक्त लाई है जहाँ पे युद्ध हुआ था ना, तो उनके पानी के साथ में खून बह के आया था रक्त, तभी इसका नाम रक्त लाई पड़ा है ना, अभी तो सब सूखा है और उस बहुत समय पहले की बात है ये, तो कितना मतलब कितना खून बहा होगा यार कि पानी के साथ में बह के खून आया था, ये इमेजिन कर लीजिए कि यहाँ पे छोटा सा तालाब होगा और मे बी ये तो इतना भी ग्राउंड लेवल पे, अगर यहाँ घाटी होगी तो इतना रक्त बहा था कि उस पानी के साथ खून मर्ज हो गया था और जो तालाब था वो पूरा लाल हो गया था, ये रक्त तलाई के बारे में विवरण है पूरा, मैंने इसको 2004 में मट्टी डाल के घास उगा दिया था, अब ये मट्टी यहाँ ना रहा उस पहाड़ी में जो हल्दी घाटी कहते हैं, येलो कलर भी हल्दी जैसा और रेड, अभी यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है, हाँ, 3 किलोमीटर, ये महाराणा प्रताप का चौक है यार, ये होर्डिंग वोर्डिंग लोग क्यों लगाते हैं इधर, टीम का सूर्य जी की ये दूसरी समाधि है भाई, जहाँ उनका घर गिरा था, तो भाई ये हल्दी घाटी स्टार्ट हो गई है, यही मेन स्पॉट है, अब यहाँ पर रोड बन गई है, पहले सिर्फ घाटी होगी ना, बीच में से निकलने की जगह होगी घोड़ों की, वो ये मैदान है, ये भाई हल्दी घाटी, ले 18 जून 1576 को ना हाथ पकड़ के, तो भाई अभी जो वीडियो में बताया था पूरा विवरण, तो वो ये जगह है, वो मिट्टी देखो आज भी लग रहा है कि मतलब ब्लड में पूरी लग रहा है, पूरा खून में लगी हुई मिट्टी है, ऊपर वाला पोर्शन तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है, देखिए ये वाला डिफरेंट है, हाँ ये देख बिल्कुल सेम, तो भाई इसको यार मिट्टी को पहले तो मैं हाथ से टच करूँ यार, और इसको थोड़ी लेके जाएंगे भाई, इसका तिलक ही काफी है, अच्छा देख देखो इसमें अंशु यार, इसमें ऐसा नहीं लग रहा बीच में जैसे ये मिट्टी, देख सूंघ के देख ले खुशबू मालूम पड़ जाएगी ब्लड की, अरे बहुत से कहते हैं ऐसा, सही कह रहा है सड़े हुए ब्लड की खुशबू, और इधर से आप देखो आपको लाल, ये देखो मतलब हाँ पूरी मिट्टी है वहाँ पे, पूरा लाल लाल कलर है आज तक, घाटी है तो ऐसा नहीं कि पत्थर है, अब ये घाटी को काट के बाद में बनाया हुआ रास्ता इस जमाने में, इस जमाने का मॉडिफिकेशन है ना ये, तो ये पहले रोड थोड़ी थी, ये रोड नहीं थी पहले, गांव वाँव बाद में बसे हैं तभी रोड बनाई होगी, ये
ऊपर इसके इतना ब्लड होगा बताओ कि वो जम के नीचे तक ऐसे बह गया। राजस्थान में पत्थर के पहाड़ होते हैं ठीक है हमेशा, और ये देखो ये मिट्टी है निखर। आपने देखे ना अभी रास्ते में कितने पहाड़ देखे, सही बात पत्थर है। के थे, सही बात है। ये जो पहाड़ है पूरा मिट्टी का, और कलर चेंज भी देख सकते हो, कलर ही बता रहा है कि पूरा ब्लडी ब्लडी है वो। यहाँ से लोग मिट्टी निकाल निकाल के ले जाते हैं। देखो यहाँ तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे लग रहा होगा, लेकिन मैं एक चीज़ दिखा दूँ आपको, अगर आपको नज़र आए तो ये जगह देखो, ये साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ब्लेड ऐसे खून पूरा बह के आया हो, मिट्टी भी मिला हुआ हो। ये पत्थर नहीं मिट्टी है, हाथ से टूटेगी। अरे ये दिखने में लग रहा है पत्थर है भाई, ये पत्थर नहीं है मिट्टी है, देखो सब टूट रही है। इसकी सुगंध भी आज अलग ही है। तो भाई अभी तो बन गई रास्ता फिलहाल में, हल्दी घाटी में बीच में होकर रास्ता निकाल दिए, गांव बस गए हैं तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन ये हमारे वीरों की वीरगति की मिट्टी है भाई, इसमें उनके रक्त मिला हुआ है इसमें। यहाँ का फील ही अलग है, मिट्टी की सुगंध ही अलग है। सबसे पहले तो बेटे तिलक कर लो इससे, क्योंकि मिट्टी बलिदान की ही है, और ये थोड़ी मिट्टी ले लो यार, ऐसी लेना कि तीनों को सफिशियंट हो जाए थोड़ी थोड़ी। ये है महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक की समाधि। चेतक ने पैर काटने के बाद यहाँ प्राण त्यागे थे ना अपने, यहाँ पे महाराणा प्रताप को सुरक्षित छोड़ के अपने प्राण त्यागे। चेतक ने 3 किलोमीटर आगे अपना पैर कटने के बाद महाराणा प्रताप को सुरक्षित छोड़ने के बाद यहाँ पर प्राण अपने त्यागे थे, ये उसकी समाधि है चेतक की। ये प्राचीन काल का उसी समय का मंदिर है, और ये देख रहे हो ये सब चीज़ अभी के ज़माने की है, जब लोगों ने यहाँ पे गांव बसा लिए, गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले लिया, इसके बाद जो मॉडिफिकेशन हो गई, ये सब अभी है। ये मेन स्पॉट है, ये महाराणा प्रताप के घोड़े की समाधि है चेतक की, वो ये है। प्रताप के प्रिय एवं पसंदीदा घोड़ा था। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी के युद्ध में घायल हो जाने के बाद भी साहसी चेतक महाराणा प्रताप को संकटापन्न स्थिति में अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्त तलाई से इस जगह तक ले आया। साहसी चेतक नाले को लांघते हुए लड़खड़ाकर गिर गया एवं अपने मालिक महाराणा प्रताप जी को गोद में उसने अंतिम सांस ली। स्वामी भक्त चेतक को सर्वोच्च बलिदान की स्मृति में यह स्मारक बनवाया गया। इस स्मारक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। और मेरा तो सर्वेक्षण विभाग से इसमें गलती है ना, एक बहुत बहुत एक रिक्वेस्ट रहेगी अगर ये ब्लॉग उन तक जाए तो, ये महाराणा प्रताप कोई छोटा नाम नहीं है, तो आप उसके पीछे जी तो लिख ही सकते। हाँ बस ये एक मिस्टेक है यहाँ पे। और एक मेन बात चेतक की हम भूल गए बताना, क्योंकि एक पैर कटने के बाद तीन पैरों पर 20 फीट की खाई कूदी थी भाई, और रक्त तलाई से दो तावा आया था। 3 किलोमीटर यहाँ से रक्त तलाई है, जिसका ब्लॉग इसमें हमने दिखाया इसी वीडियो में, वहां से ये जगह 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड चेतक समाधि पर, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।